सावन महीने की शुरुआत 22 जुलाई से होने वाली है। सावन में भगवान शिव की पूजा का विधान विशेष रूप से दिया गया है। विशेष रूप से इस पूरे महीने में शिवलिंग के अभिषेक का बहुत महत्व माना जाता है। इसके अलावा सावन के दौरान खास तौर पर सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर कई प्रकार की वस्तुएं भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है। भगवान शंकर की उपासना के लिए सावन का महीना बेहद खास माना जाता है। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा शिव पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इसके प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ की आराधना के साथ उनका जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे जीवन में आने वाली दरिद्रता का नाश होता है। इसके साथ ही सभी प्रकार के रोग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। वहीं सावन में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका पूजा में गलती से भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि सावन में कुछ ऐसी चीजें कौन सी हैं जिन्हें भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को शिवलिंग पर वर्जित माना जाता है चढ़ाना। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी उबला हुआ दूध या फिर पानी मिलाया हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन के दौरान भगवान शिव पर कई तरह के फूल और पत्तियां चढ़ाई जाती है। वहीं कुछ पत्तियों को भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए, जैसे कि तुलसी की पत्तियां, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता या फिर केले के पेड़ का पत्ता भगवान शिव के शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सावन में भगवान शिव को पूर्ण श्रद्धा से चढ़ाया हुआ एक बेलपत्र ही काफी होता है। भक्तिभाव से बेलपत्र चढ़ाने से शिव भक्त के आसपास आए दुख और कलेश दूर भाग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव या शिवलिंग पर कई तरह के मसाले चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि तिल, काली मिर्च, लौंग आदि, लेकिन भूल से भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके पीछे की वजह सिर्फ इतना ही है कि भगवान शिव गृहस्थी भले ही हो, लेकिन उन्हें बैरागी ही माना जाता है। ऐसे में हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। इससे भगवान शिव का वैराग्य भंग हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी है जो भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी को भूलकर भी सिंदूर और रोली नहीं अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ को केतकी और कमल का फूल से पूजा नहीं करना चाहिए। शिव पूजन में सफेद रंग का उपयोग शुभ माना जाता है। इसके साथ ही शिवलिंग पर महिलाओं से जुड़ी किसी भी चीजों को अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव जी के ऊपर सुहाग की सामग्री और उसके किसी भी प्रतीक को नहीं चढ़ाना चाहिए। भोले बाबा को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शंकर को नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।